नमस्कार दोस्तों, इनकी एज है 26 इयर्स। इनके तीन सवाल है, शादी कब वो आपको जीवन रेखा पर पता चल जाएगा, कितना पैसा कमाऊंगा वो एनालिसिस के अंदर सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, और विदेश सेटलमेंट, यस विदेश सेटलमेंट है आपके हाथ में। तो दो जवाब आपको एनालिसिस के अंदर मिल जाएंगे, यानी समय कम जाएगा आपका। अब इस पाम को देखें तो यहाँ पर इन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है और ये वर्तमान में विदेश में ही है, ये भी आपको जानकारी दे दूं। यहाँ पर जब दो उंगलियाँ ऐसे ऊपर की तरफ जाती है तो ऐसे लोगों में समझदारी में थोड़ा सा अंतर रहता है। जो समय पर निर्णय लेने होते ये लोग नहीं ले पाते, उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था, और ये जीवन भर का प्रॉब्लम रहेगा, इसका कोई उपाय भी नहीं। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है, सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं और बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इनकी इच्छा शक्ति होती है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता भी होगा। सेकेंड फैलेंज जहां लॉजिक की जरूरत है वहां लॉजिक यूज किया, जहां चुप रहने की जरूरत है वहां चुप रहे, और थोड़ा सा मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले होंगे, पर अंगूठा छोटा है तो पर्सनालिटी उतनी खुलकर नहीं आती, अपने आप को सामने पेश नहीं कर पाते, ये एक माइनस पॉइंट रहेगा। ये उंगली जब बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है, और सबसे बड़ी खासियत ये सूर्य की उंगली, ये बहुत बड़ी है, कैसी भी परिस्थिति हो जीवन का आनंद लेता है, और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ले सकता व्यक्ति, लेता ही है, ले सकता क्या, लेता ही है। ये उंगली का फर्स्ट सिरा मूल रहा है तो ऐसे लोगों में पैसे कमाने की ललक बहुत अच्छी पाई जाती है, और ये उंगली फर्स्ट बैलेंस तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमजोर होता है। अब इनका काफ़ी क्लियर पाम आया हुआ है, इंक लगा हुआ, उस पर चलते हैं। जो जो प्लस माइनस दिखेगा सारी चीज़ें एनालिसिस में मिल जाएगी। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, और बुध पर्वत मध्यम कह सकते हैं अपन, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं पर दो तीन लाइन है तो बिजनेस सेंस तो काफ़ी अच्छा होगा आप में, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, दो चार भाषाओं के जानकार भी होते और थोड़े से स्पष्ट वक्ता भी होते। अब यहाँ पर एक यश वाली साइन भी है तो इनको जीवन में यश भी प्राप्त होगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और सबसे अच्छी खासियत है इनके हाथ में एक बड़ी फिश साइन भी है, बड़ी तो नहीं मध्यम कह सकते हैं, और उसके पास में एक और मुझे दिखी थी इस फोटोग्राफ में, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पर, सॉरी, ये यहाँ पर, और एक दूसरे फोटोग्राफ में यहाँ पर भी है, उस पर भी आता, और एक तो ये तो काफ़ी अच्छी फिश साइन है इनके हाथ में। इस फोटोग्राफ में ये ऐसे चलते हुए दिखाई दे रही है, और अभी ये कोई बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति नहीं है, पर आगे चलकर ये काफ़ी संपन्न बनेंगे, और किस तरह से इनकी लाइफस्टाइल रहेगी उसके बारे में भी जानकारी। अब ये जो फिश साइन देख रहे हैं इसका दूसरा फोटोग्राफ भी है, उसमें काफ़ी क्लियरिटी है, ये देखिए यहाँ से लाइन निकली और ये चली, और यहाँ से निकली और ये चली, ये इस तरह से ये फिश साइन बन रही है, और ये इस रेखा पर है। अब भी पूरे फोटो में देखेंगे इस रेखा मंगल की ओर देख रही है कि चंद्र की ओर देख रही है, उस पर ध्यान देंगे। अगर मंगल की ओर जाएगी तो प्रॉपर्टी के द्वारा बहुत पैसा कमाएंगे,
और अगर चंद्र पर जाएगी तो लोगों के द्वारा पैसा इनके जीवन में ज़्यादा आएगा, लोगों का सहयोग इनको ज़्यादा मिलेगा, दो में से कोई ना कोई एक वस्तु होगी, वो पूरे फोटोग्राफ में आएंगे तब देखेंगे। उसके अलावा कोई और साइन दिखती है? नहीं, और तो कोई साइन नज़र नहीं आ रही। एक यहाँ पर भी छोटी सी फिश साइन के चांसेस है, मैं ये फोटोग्राफ नहीं और दूसरे फोटोग्राफों में देखी थी मैंने, छोटी सी है। और ये एक और है यहाँ पर, ये सारी छोटी छोटी है पर ये बड़ी है, ये काफ़ी उन्नति इनको देगी। अब किस तरह से पैसा आएगा, क्या होगा, वो इनकी धन रेखा पर निर्भर करता है, तो उस धन रेखा पर आएंगे तो बहुत डिटेल में पता चलेगा कि क्या प्लस माइनस है। वापस इंक लगे हुए हाथ पर चलते, पहले ये साइन को देखते हैं। थोड़ा सा चंद्र पर्वत की ओर जा रही है तो ये लोगों का सहयोग इनको बहुत अच्छा मिलेगा जीवन में। यहां पर विद्या रेखा बनी हुई है पर दो बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। अब इनकी जो धन रेखा है एक सूर्य पर्वत की ओर देख रही है और ये भी सूर्य पर्वत की ओर ही देखने वाली रेखा है। इस फोटोग्राफ थोड़ा सा लेफ्ट में झुका हुआ है इसके लिए पता नहीं चलता, और एक और लाइन सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो विदेश सेटलमेंट तो इनके हाथ में लिखा हुआ है, विदेश से धन प्राप्ति के योग है। और शनि पर्वत पर बहुत सारे स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को पूछते नहीं जमीन जायदाद दिलाते, और इनके पापा फार्मर है और शनि पर्वत एकदम फ्लैट, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। अब जुपिटर माउंट थोड़ा सा छोटा है, खराब नहीं है, पारिवारिक सांसारिक समस्याएं नहीं देगा, पर यह परिवार से दूर रखता है। अभी यह विदेश में ही कमा रहे, गल्फ में कमा रहे, तो नेचुरल है व्यक्ति परिवार से दूर ही रह रहा है, खुद का परिवार नहीं, जैसे पत्नी बच्चे उनसे नहीं, पर माता पिता चाचा बुआ उनसे व्यक्ति दूर रहता है जब इस तरह का जुपिटर माउंट रहता है। पर है जुपिटर माउंट अच्छा तो पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा रहेगा। ये स्क्वायर व्यक्ति को 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचता है। ये कंटिन्यू चलने वाली रेखा ये व्यक्ति को टिकाए रखती है, खराब समय भी आए तो स्टैंड बाय रहता है व्यक्ति। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, धार्मिकता और सेवा भाव, ये चार बेनिफिट मिलते हैं। मंगल पर्वत व्यवस्थित है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उभार है, पर शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। बारी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर अगर कोई स्क्वायर साइन बनती होगी, क्योंकि इतना स्पष्ट चित्र नहीं है, तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है और ये यात्रा जीवन को जीवन में ज़्यादा होती है, और जीवन रेखा पर भी फोर्क बना हुआ है, ये व्यक्ति को यात्राएं ज़्यादा करवाएगी। और ये लाइन एडिक्शन लाइन है, व्यक्ति एक दो घंटा काम करता है उसके बाद खालीपन महसूस होता है, उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन, कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई ना कोई व्यसन की आदि होता है। दुनिया भर के व्यसन है दुनिया में, कोई ना कोई एक व्यसन लगाता है। और चंद्र पर्वत अच्छा है तो पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती होगी, रिफाइंड सोच होगी, नए नए कार्य करने का शौक होता है, और विदेश से संबंध आता है और ये पहुंच ही गए विदेश। और मनी ट्रायंगल देखे, थोड़ा सा ओपन है, और फिश साइन, इतनी बड़ी फिश साइन वालों को न भी हो मनी ट्रायंगल तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब शुक्र पर्वत पर बारीक रेखा ही नहीं है, सारी मोटी रेखा है। तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छा शुक्र पर्वत तो नहीं कहूँगा और ना खराब है, तो बहुत ज़्यादा लग्जरी के चाहक नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा लग्जरी से दूर भी नहीं भागेंगे, इस तरह की मानसिकता इनकी रहेगी, बैलेंस है। अब हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। जब इस तरह की हृदय रेखा हो तो व्यक्ति को एक तो प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता, सेकंड बहुत भरोसे लायक इंसान होते, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से याद करके दे के आएंगे, और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है। परिवार के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होता है क्योंकि परिवार के लोग पेड नहीं होते और वो परिवार में एक्सपेक्टेशन रखते तो वो लोग थोड़े से विचलित होते हैं, पर हाथ के नीचे के लोगों से ज़्यादा काम ले पाते और ज़्यादा सफलता भी पाते, ये भी एडवांटेज है। और ये लाइन व्यक्ति को 4 लाभ देती है, ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। तीसरी चीज पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, तो कई लोगों को 4ों लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। और हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है तो थोड़ा सा झंझटों भरा जीवन रहेगा, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है, और एक दो फ्लर्ट लाइनें भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनकी जो माइंड लाइन पर है बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ से चली और ये जो पीरियड आएगा यहाँ पर प्रेशर लाइन बनी हुई है, ये पीरियड होगा लगभग 30 के आसपास का, 30-31 के आसपास से लेकर इस पीरियड तक इनके जीवन में उथल पाथल रहेगी, दिमागी तौर पर, आर्थिक रूप से नहीं, दिमागी तौर पर 36-37 तक प्रेशर रहेगा जीवन में, क्योंकि ये कंप्लीट प्रेशर लाइन चल रही है। जब इस तरह की कंडीशन होती है और यहाँ पर एक दो जगह पर ब्रेक भी हो रहा है तो कोई ऐसी घटना भी घटेगी, उसके बाद आप सीरियस भी बनोगे जीवन में। ये असमंजस्य वाली स्थिति होगी, ये करूँ वो करूँ ये करूँ क्या करूँ, इस तरह की पोजीशन आपके जीवन में 6-7 साल रहेगी, निर्णय शक्ति में असर पड़ेगी, ये आप समझ के चलना। उसके बाद 99% ये भी प्रेशर लाइन है, अगर ये यव होता है तो व्यक्ति का जीवन ये इतने साल काफ़ी ख़राब रहेगा, पर मुझे नहीं लगता ये यव साइन है, ओपन है। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, पर यव होगा तो प्रॉब्लम है, पर इनसे उस लेवल के फ़ोटो भी नहीं आते, पर 99% ये यव नहीं है, सीधी लाइन ही है। तो ये भी पीरियड बाद में 1-2 साल अच्छा जाएगा, फिर वापस प्रेशर में रहेगा, तो जीवन तो इनका प्रेशर में ही रहने वाला है अप टू। और ये थोड़ा सा क्रॉस में फोटो है, मैं दूसरे फोटोग्राफ भी है इनका, उसमें देखने की कोशिश करता हूँ। ये प्रेशर बनेगा इनके जीवन में लगभग 27 के आसपास से, 27-28 के आसपास से लेकर अप टू 33-34 तक, उसके बाद 2-3 साल अच्छे जाएंगे, फिर वापस ये प्रेशर बनेगा इनके जीवन में 42 से लेकर 50 तक, यानी जीवन तो प्रेशर में रहेगा, ये एक्सेप्ट करके ही चलो। और ये अगर ये 99% तो ये यव साइन नहीं है, और ये यव साइन रही तो ये पीरियड काफ़ी कष्टमय रहेगा, पर 99.99% यव साइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओपन लग रही है ये, तो प्रेशर तो आपके जीवन में रहेगा, बीच में केवल ये 2-3 साल आपको अच्छे मिलेंगे, और यहाँ पर निर्णय शक्ति लेने में आपको तकलीफ रहेगी, यानी असमंजस की स्थितियाँ रहेगी, और माइंड लाइन चल के सीधी चल रही है, और यहाँ पर एक सेकेंडरी लाइन है, ये व्यक्ति को नींद से रिलेटेड इश्यू देती है। अब जीवन रेखा के लिए उसी फोटोग्राफ पर चलते हैं, क्योंकि उसमें राहु रेखाएं दिख नहीं रही थी उस फोटोग्राफ में, और इसमें दिख रही थी, पर ये लेफ्ट में झुक रहा था पाम,
तो हमारे पास जो व्यक्ति कोई ना कोई दुख होता है तब आता है, पर ये बिना दुख के आए, जब दुख था तब नहीं आए। ये लाइन ने काटा, ये 25 के आसपास काटी ये राव रेखा, इस लाइन ने इनको जीवन में तकलीफ दी होगी और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया तकलीफ दी, क्योंकि ये एज निकालने के लिए मैंने इनसे कन्फर्म किया था। या तो रिलेशन ये टच करती है तो रिलेशन होता है व्यक्ति का, या शादी होती है और ये काट के जाती है तो ये राव रेखा है, तो इनके साथ ये राव रेखा ना खेल किया है। अब ये लाइन इनकी शादी कराएगी 28 के आसपास, 25 और 27.5 से 28 के बीच में इनकी शादी हो जाएगी और धूमधाम से शादी होगी। उसके बाद 31 में एक छोटी सी राव रेखा काट रही है, इधर तकलीफ आएगी आपको। 32 में उससे एक छोटी सी है, हल्की सी। उसके बाद 36 में है, उसके बाद 45 में है, उसके बाद 49 में है, 48 और 49 में, और 52 में, और यहाँ पर ऑफशूट भी है, और बीच बीच में छोटी छोटी राहु रेखाएं भी है। और आप गल्फ में रहे तो आपको ये छोटी छोटी राहु रेखाएं भी परेशान करेगी, तो ऐसी छोटी छोटी भरपूर राहु रेखाएं, पर मैंने तो सारी बड़ी रेखाओं का जिक्र किया और उसके बाद कोई राहु रेखा दिख नहीं रही है। हाँ, छोटी छोटी ऑलवेज आपके हाथ में है, और इस तरह की कंडीशन पूरे हाथ में हर जगह पर है, तो आपको बीच बीच में नेगेटिव फीलिंग तो आती रहेगी। यानी आपका अगर ओवरऑल मैं पाम जो मैंने रीड किया है और जो समझा है, पैसा आएगा, खर्च भी होगा, सब कुछ, मैं उस पर मोरल ऑफ द स्टोरी पर बाद में आता हूँ। अभी ये आपकी फेट लाइन, फेट लाइन को देखें तो आपकी यहाँ पर भी देखें तो ये थोड़ी सी सूजन भरी है, तो उतना ग्रोथ नहीं मिलता, पर आपके हाथ में बड़ी फिश साइन है तो इस तरह की रेखा में भी पैसा आता है। और अप डाउन आते रहेंगे आपके जीवन में, 2 साल कभी बहुत ज़्यादा कमाओगे और फिर वापस थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर वापस कमाई होगी, फिर वापस थोड़ा सा कम होगा, इस तरह से चलता रहेगा। और मल्टीपल इनकम की लाइन है, ऑलरेडी है ही आपके हाथ में। और इधर भी देखे तो धन रेखा है, ये भी सीधी चल रही है, यहाँ पर भी बीच बीच में नाड़िका रेखा है, आपको हर लाइन को काटने वाली है। तो ग्रोथ तो कम रहेगा, पर आप साधारण परिवार से हो, जो पैसा आएगा वो भी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा और खर्च भी होता रहेगा, और बुढ़ापा थोड़ा सा व्यवस्थित जाएगा आपका, और ये संघर्ष कराएगी, यानी ग्रोथ कम। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप गल्फ छोड़कर कोई और कंट्री में चले जाइए, जो जैसे यूरोप है, कनाडा है, US है, वैसी कंट्रियों में ट्राई कीजिए आप, आपके योग है, आपको जाने मिलेगा, तो वहां कहीं ना कहीं रिलैक्स होगा आपको। अब आप साधारण परिवार से हो और इतनी बड़ी फिश साइन आपके हाथ में, ये आपको पैसा भरपूर देगी, आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे अच्छा पैसा आपके जीवन में आएगा, पर फिर भी जो डिजर्व ग्रोथ है वो आपको नहीं प्राप्त होगा और बीच बीच में खर्च होते रहेगा, फिर भी अच्छा खासा जमा कर लोगे। तो 2-3 चीज मोरल ऑफ द स्टोरी, पैसा आपके पास अपने आप आता रहेगा, अपने आप खर्च होता रहेगा, आपका जो ग्रोथ आपने सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, पर जो डिजर्व कर रहे हो वो नहीं मिलेगी। राहु रेखाएं भी आपको छोटी छोटी काट रही है तो आपको नेगेटिव फीलिंग आती रहेगी, बीच बीच में रुकावटें आती रहेगी, और माइंड लाइन पर भी प्रेशर है, तो प्रेशर भी जीवन भर बना रहेगा, 50 साल तक तो प्रेशर दिख रहा है आपको। तो ये इस तरह की कंडीशन आपके हाथ में है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।